यूक्रेन को फाइटर प्लेन देने पर, नेटो में घमासान, कीव को F-16 देने पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, F-16 देने पर पूछे सवाल के जवाब में कहा कैटेगोरिकल नो, दो दिन पहले कहा था F-16 पर सभी विकल्प खुले। बाइडेन आपको याद होगा ताइवान के संदर्भ में कई बार ये कह चुके हैं ऐसी बातें जिसको लेकर बाद में सफाई दी गई है, और आज ये जो कहा गया है ये उसके कॉन्ट्रडिक्शन में है जो दो दिन पहले बात कही गई थी। क्या कैसे हो रहा है वो आगे आपको बताता हूं। अब जरा देखिए अनहोनी रणभूमि में अनर्थ तय मैं क्यों कह रहा हूं, इसका एलैबोरेशन में आपको ले चलता हूं। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का डबल गेम मुस्तकिल जारी है, और कम से कम या तो ये टाइम बाय करने के लिए होता है कि पहले इनकार करो फिर हाँ कहना, पहले किसी बारे में हाँ कह दो फिर बाद में इनकार कर देना, ये क्यों किया जाता है, ये कंफ्यूजन फैलाने के लिए किया जाता है, अपने खेमे में कंफ्यूजन है कई चीजों को लेकर, वो तय नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कर पा रहे हैं क्या क्या किया जाना, लेकिन ये क्यों होता है जरा समझने की कोशिश कीजिए। यूक्रेन युद्ध अमेरिका का डबल गेम, बाइडेन से सवाल, अमेरिका यूक्रेन को F-16 देगा, ये लेटेस्ट आपको बता रहा हूं, और उसमें सीधा सीधा बाइडेन की तरफ से ये दो टूक जवाब था जो यहां लिखा हुआ है क्लियर नो। क्या अमेरिका की ना में हां है, क्या वो जो कहते हैं नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इजहार तुम्ही से कर बैठे, क्या वो करता है क्या अमेरिका? मैं क्यों कह रहा हूं जरा ये समझने की कोशिश कीजिएगा। कई बार ये देखा गया कि पहले ना कहा गया फिर हां कह दिया गया, आपको याद है पेट्रियट, आपको याद होगा पहले ना उसके बाद कहा गया हां, अब्राम साहब को याद होगा उसके मामले में भी पहले कहा गया नहीं और फिर रजामंदी दी गई, ब्रैडले को लेकर भी पहले क्या कहा गया नहीं बाद में कह दिया गया हां। तो क्या इस बार F-16 के मामले में जब यह कहा जा रहा है नो, क्या उनके कहने का मतलब है हां? यह पहले नो के बाद हर बार हां देखने को क्यों मिलता है, और क्या वही इस बार भी इंप्लाई किया जाए, क्या वो यही कह रहे हैं कि इस बार भी हम नो कह रहे हैं इसका मतलब आप हां में समझ लीजिएगा, या F-16 को लेकर वाकई इस नो का मतलब नो है, ये क्यों किया जा रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरा देखिए अनहोनी रणभूमि में अनर्थ, ये जरा इससे संबंधित ये इंफॉर्मेशन भी आपको जरूर देखना चाहिए। पुतिन की धमकी से डरे हैं क्या बाइडेन? F-16 का इस्तेमाल नेटो का हमला मानेंगे रशिया ने यह बात कही, लेकिन यह तो पेट्रियट के संदर्भ में भी कहा गया था। बाइडेन की ना के बाद हां वाली रणनीति है क्या, हर बार ना कहकर हथियार भेजे, क्या यह जानबूझकर एक तरीके से रशिया को परप्लेक्स रखने के लिए, भौचक्का रखने के लिए किया जाता है क्या, दुनिया में F-16 का माहौल बना रहा है क्या? F-16 को लेकर जितनी बातें होंगी जितना वो सुर्खियों में आएगा, हां में भी चर्चा होगी ना में भी चर्चा होगी, दिया जाएगा में भी चर्चा होगी नहीं दिया जाएगा में भी चर्चा होगी, उतना F-16 का माहौल बनेगा, दुनिया की जुबान पर चढ़ेगा, मंडी में इसके बारे में लोग पता करने जाएंगे, हथियार खरीदे जाएंगे, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का भला होगा। F-16 की डिमांड बढ़ाना इसका मकसद है क्या? यूक्रेन की लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश, क्या यूक्रेन की लाचारी, उसको पहले झोंक दिया गया नेटो के नाम पर आगे बढ़ा दिया गया, अब जब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में पहुंच चुका है, वहां पहुंचने के बाद वो मांगे उसमें हां कहें तो हमारी मर्जी ना कहें तो हमारी मर्जी, क्या मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है अमेरिकी हथियार पर यूक्रेन को निर्भर बनाते जाना, अमेरिकी हथियारों का टेस्ट बेड यूक्रेन को बना देना, क्या इसकी वजह से ऐसा हो रहा है? F-16 अमेरिकी मल्टी रोल फाइटर, फोर्थ जनरेशन फाइटर प्लेन, जरा देखिए यहां आपके लिए हमने स्टूडियो में उतार दिया है, ये रहा F-16, ये सिंगल इंजन फाइटर प्लेन, बेहद खतरनाक फाइटर प्लेन्स में से एक, रफ्तार 2414 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है देखिए विंग स्पैन 32 फीट, लंबाई 49 फीट, ऊंचाई 16 फीट, वजन 8936 किलो, ये रहा F-16। इसकी चर्चा हां ना, कंफ्यूजन या जानबूझकर, ये क्या है, आइए इस धुन को समझने की कोशिश करते हैं। ये दिखाई देता है क्या सर, इसके लिए कोई कैट्स आई है क्या आप लोगों के पास, जो समझ पाए कि इस धुंध के पार असल में रनवे कैसा दिखाई दे रहा है? त्रिगुनायत सर, देखिए ये आपने जो बोला कि ये प्लस करने की कोशिश करते हैं या यूज लैंग्वेज डबल मीनिंग की करते हैं, तो ये एक बात सच है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि रशिया हर तरह के ये शुरू से गिवन है और वो जानता है कि हर तरह के हथियार वेस्टर्न कंट्रीज नेटो देते रहेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं F-16 भी दिखाई देगा आने वाले दिनों में? F-16 दिखाई दे सकता है, लेकिन
F-16 को लेकर क्या सस्पेंस है? अमेरिका की हाँ ना का मतलब क्या है? हाँ, जो ना है वो हाँ कैसे हो जाती है बाद में? दिनेश, ये जो कंफ्यूजन जो है F-16 का, जिस तरीके से यूएसए क्रिएट कर रहा है कि देना है नहीं देना, लेकिन F-16 कोई छोटी जहाज नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है कि जो आज दे दो और उनके फाइटर चलना शुरू कर जाए और डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। इतना आसान काम नहीं है। F-16 को वॉर फील्ड में यूज करने के लिए काफी ट्रेनिंग की चाहिए होती है, या अगर देना है यूएस, अगर यूएस 16 दे तो अपने पास देगा। लेकिन ये तो जहां तक लग रहा है कि यूक्रेन को F-16 देना ये नामुमकिन लग रहा है। अगर दे देगा तो ये वॉर जो है किसी और डायरेक्शन में जा सकती है, वो डायरेक्शन ऐसा जहां से वापस आना मुश्किल होगा, और ये ना नाटो देश चाहते हैं ना कि अलग देश चाहते हैं। तो ये जो है यूक्रेन को आगे बढ़ाना फिर पीछे हटना, ताकि हमारे दर्शक है उन्होंने कहा है कि आपने जल्दबाजी में वजन को ऊंचाई में कंफ्यूज कर दिया है। वजन 8,936 किलो और ऊंचाई 16 फीट। आई स्टैंड करेक्टेड, प्लीज गो अहेड सर। देखिए, F-16 देना ना देना ये कोई लड़ाई चल रही है। F-16 अगर देगा तो F-16 फ्लाई कौन करेगा, ऑपरेट कौन करेगा? अदरवाइज किसी नॉन अनट्रेन पायलट को दे दिया तो सिटिंग तक जब मर्जी होगा F-16 को गिरा देंगे। देना ना देना ये फ्यूचर करते रहेंगे। और F-16 का मार्केट आप सही कह रहे थे कि मार्केट भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक चीज और नोट करने की जरूरत है कि जो यूएस F-16 किसी और देश को देता है वो F-16 वो नहीं है जो उनके पास है। ये पाकिस्तान पूरी तरीके से समझ चुका है कि पाकिस्तान के पास जो F-16 है वो नहीं है जो यूएसए जो क्लेम करता है। यूक्रेन को भी इस बात को सोचना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।